समय की जो राजनीति है उसकी जो सेंट्रल थीम है वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है। जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है, उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, तो ठीक है अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं सब पे चलाइए ना। फिर सारे मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया जो बीजेपी को हराने में सबसे सक्षम है, क्या इससे बीजेपी रुक रही है? मेरे दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि क्या बात की जाए, खासकर के ऐसे समय में। देखिए एक प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है कि इस बार की जो बहस है ये भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री ने शुरू की है। ऐसा नहीं है कि पसमानदा की बहस कोई उन्होंने बीजेपी या आरएसएस से आई है, ये बहस बुनियादी तौर पर पसमानदा के अंदर से आई है और ये सवाल बहुत सारे और मोरल और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आते हैं, लेकिन इस बार वाली बहस तो वहां से आई है। इसलिए दो तरह से इस पूरे मामले को मेरे ख्याल से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पसमानदा का सवाल और ये भारतीय राजनीति की दिशा को भी निर्धारित कर सकता है। ये कहते हुए मैं जिस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ये कि इस समय की जो पॉलिटिक्स है, इस समय की जो राजनीति है, उसकी जो सेंट्रल थीम है वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है। और यहीं पर खड़ा होकर एक पॉलिटिकल पार्टी या एक विचार इस समय देश की सत्ता में है। जो बुनियादी तौर पर जो आइडिया है वो सावरकर का आइडिया है कि जो विराट हिंदू होगा वो राज करेगा और उसका जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से मुसलमानों से और थोड़े बहुत क्रिश्चियन से होगा, जो उनकी हिंदुत्व वाली किताब है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसी थॉट का विस्तार है इस समय की बीजेपी आरएसएस जो इस समय देश पर राज कर रही है। तो जो सेंट्रल थीम है अगर इस समय देश में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, उसका हिंदू मुस्लिम बाइनरी का प्रश्न, हिंदू मुस्लिम द्वैत का प्रश्न, हिंदू और मुस्लिम के बीच के फिसर्स और उसके बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस को का इस्तेमाल करके एक पार्टी इस समय जब देश में शासन कर रही है और बाकी दूसरे सवालों को किनारे की हुई है, उस समय उस पार्टी के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये कहता है कि इस पर पसमानदा के सवालों को हम उठाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इरादा क्या है, चाहते क्या हो? आपने ये वाली पॉलिटिक्स तो की नहीं थी अभी तक, तो आपकी पॉलिटिक्स थी कि जो जिनकी मातृभूमि पितृभूमि सब कुछ भारत है, जिनके धर्म का केंद्र भारत से ओरिजिन जिन धर्मों का भारत से हुआ है, जिनकी ये पुण्य भूमि भी है, वो भारतीय या हिंदू हैं, वो विराट हिंदू हैं। उसके बीच के आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस को हम धीरे धीरे कम करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि सावरकर आश्चर्यजनक रूप से जिस समय गांधी मंदिर प्रवेश के समर्थन में नहीं थे उस समय भी सावरकर दलितों के मंदिर प्रवेश की बात कर रहे थे, वो गाय वगैरह को लेकर कोई पवित्र विचार उनका नहीं है। मतलब सावरकर का हिंदुत्व बहुत अलग तरह का हिंदुत्व है, वो वाला हिंदुत्व है जो इस समय देश में शासन कर रहा है। इसको एक आदिवासी को राष्ट्रपति भवन पर बैठाने में भी समस्या नहीं है, वो 26 ओबीसी मिनिस्टर्स बनाने में भी उसको समस्या नहीं है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक दुश्मन चाहिए और उसके खिलाफ उसको एक ब्रॉड यूनिटी बनानी है, ये उसका फ्रेम है, ये इस समय की पॉलिटिक्स का फ्रेम है। तो ऐसे समय में अगर भारत के प्रधानमंत्री पसमानदा का सवाल उठा रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं और यहाँ से आप अपनी वैचारिक जो भी जर्नी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए पसमानदा के सवाल को मैं दो तरह से अप्रोच करता हूँ। एक तो मोरल क्वेश्चन है कि क्या हो, मतलब जो समाज किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर में पीछे रह गया उसके साथ क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों से ये कहूँ कि 200-250 लोग जो बैठे हुए हैं कि केक बंट रहा है, एक बड़ा सा केक है जो बंटना है और उसको आप इस तरह से बांटिए जो आपके इंटरेस्ट में हो, लेकिन जो आपका हित हो, जो आपको सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए वो वैसा आप बांटें इसको, लेकिन आपको पता ना हो कि केक का कौन सा टुकड़ा आपको मिलेगा। तो इसमें हर व्यक्ति यही करेगा, हर कोई भी आदमी यही करेगा
कि केक को बराबर बराबर बांटने की कोशिश करेगा ताकि उसको एक न्यायिक रूप से जो सही टुकड़ा है वो मिल जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगर मैं बड़ा या छोटा बांटूं तो छोटा टुकड़ा अगर मेरे हिस्से आ गया। कोई भी व्यक्ति अगर आप छोटे 5-6 बच्चे के ग्रुप में भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा, वही आपको बांटना है, रिसोर्सेज बांटने हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं और कौन सा टुकड़ा आपके हिस्से आएगा, तो आप उसको न्यायिक बंटवारा करेंगे। तो मोरल क्वेश्चन तो यही है कि पसमानदा के साथ न्याय करने के लिए उस लोकेशन से सोचना पड़ेगा कि मैं पसमानदा हूँ, मैं ओबीसी हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं आदिवासी हूँ, रिसोर्स बंट रहे हैं, मुझे उसमें से कोई एक टुकड़ा मिल सकता है, कोई भी टुकड़ा मिल सकता है, तो मैं उसको एक न्याय करूंगा। तो मोरल तरीके से तो मुझे लगता है कि जो इस डॉक्यूमेंट में आया है, जो प्रश्न उठाए गए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, और इसको मैं इसलिए सही मानता हूं क्योंकि मोरली वो सही क्वेश्चन है। जैसे कि एससी के अंदर मुसलमानों की कुछ जातियों को शामिल करना एक मोरली सही क्वेश्चन है, उनके नौकरी का जो सवाल है उसमें प्राथमिकता का सवाल है, बिल्कुल मोरल क्वेश्चन है, बैंक लोन में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मोरल और सही न्यायिक क्वेश्चन है, ये सारा कुछ होना चाहिए। ये तो आपका न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए इस मामले में सोचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पसमानदा को आज तक जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है और इससे ज्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको मोरल को लेवल पर, नैतिक लेवल पर आपको कोई दुविधा किसी को नहीं होगी अगर वो व्यक्ति एक मोरल व्यक्ति है तो। लेकिन इसके साथ एक और दूसरा लेयर है, और वो लेयर पॉलिटिक्स का है। इसमें जब मैं इस प्रश्न को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हैं, उनके अंदर की सुरक्षा की भावना को वो खत्म करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है और उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, उनके प्रवक्ता बहुत अनाप शनाप बोलते हुए भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे समय में क्या एक समाज के अंदर के आपसी न्याय के प्रश्न को उठाया जा सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में गंभीर नहीं है। अगर वो पसमानदा के सवालों को चाहते हैं कि न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, भारत में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना, अगर मैं उनसे नाराज भी हूँ, वोट नहीं भी दिया हूँ, तो एक ही प्रधानमंत्री है, न्याय तो उन्हीं को करना चाहिए, हम उन्हीं की तरफ देखेंगे, डिमांड उन्हीं से उठेगी। तो ऐसे समय में अगर वो चाहते हैं कि पसमानदा के सवाल उठें, तो इसकी एक बुनियादी शर्त, शुरुआत, पहला स्टेप, आप इस असुरक्षा के माहौल को, इस सांप्रदायिक तनाव के माहौल को, और खास करके आपके प्रवक्ता, आपका प्रशासन चुन चुन कर अगर बुलडोजर चलाएगा तो आपको हम मानेंगे कि आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं, पसमानदा सवाल पर आपको न्याय नहीं करना है। अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप पर ओनस है, जिम्मेदारी है, उस बेसिक प्री रिक्विजिट को पूरा किए बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि पसमानदा के सवालों को आप उठाएंगे और वहां से कुछ वोट ले लेंगे या मुसलमानों के अंदर मतभेद पैदा कर देंगे, तो ये नहीं होगा। जब बाहर से हमला होता है तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कौम या कोई भी जाति एकजुट होती है, और उस समय भूलती भी है कि हमारे ऊपर एक्चुअली शोषण या हमारा हक कौन मार रहा है। ये सवाल तब उठता है, ये शांति काल के प्रश्न है, ये शांति काल के प्रश्न है। और अगर प्रधानमंत्री सचमुच चाहते हैं कि पसमानदा के साथ न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, तो उनको शुरुआती तौर पर एक घोषणा करनी चाहिए, या वो पार्टी के अंदर करें, वो आरएसएस के जरिए करें, किसी भी तरह से करें, कि हम बहुत मुसलमानों को आपको एक्स्ट्रा कुछ देने वगैरह की जरूरत नहीं है, आप उसको एक संभाव रखें, बस इतना काफी है कि ठीक है, अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं सब पे चलाइए ना। फिर अगर आप एक मुस्लिम युवक को एक बयान या एक ट्वीट के लिए 2 साल जेल रखना चाहते हैं तो आप सबको रखिए, अगर यही न्याय है तो न्याय कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं है। तो ये चूंकि नहीं हो रहा, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव को बहुत गंभीर इनिशिएटिव नहीं मानता हूँ, लेकिन जाहिर है कि वो इसमें कुछ तो करना चाह रहे हैं, मतलब वो ऐसे मतलब पागलपन में कुछ भी बोल दिया गया बयान नहीं है, बहुत सुचिंतित और एक बयान है, वो निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि
हिंदू ओबीसी के अंदर और हिंदू दलित जो हैं, जिसको दलित हिंदू दरअसल नहीं भी है लेकिन अब आर्य समाज वगैरह के 100 साल के प्रयास के बाद वो हिंदू फोल्ड के अंदर है, उसके अंदर चूंकि कुछ मतभेद पैदा हुए हैं और वो अपने सवालों को लेकर ज्यादा मुखर है, तो उनकी जो ब्रॉड हिंदू यूनिटी है उसमें कुछ क्रैक्स हैं। ब्रॉड हिंदू यूनिटी में क्रैक्स हैं, जब SC/ST एक्ट का मामला आता है तो इस देश में 15 से 20 लाख दलित सड़क पर उतर कर अपने SC/ST को वापस लेता है, या रोस्टर का सवाल है तब वो अपने हक को वापस लेता है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीजें उनको चिंतित कर रही है। ऐसे समय में मुसलमानों का एकजुट होकर वोट देने की जो एक प्रवृत्ति रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये उनको शायद चिंतित कर रहा है, और यहाँ पर वो शायद कुछ फॉल्ट लाइन्स तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अपने सवालों को बहुत गंभीरता से उठाने की जरूरत है, और पसमानदा हित के सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस वजह से ये डर नहीं होना चाहिए कि इससे मुसलमानों की एकता टूट जाएगी। मुसलमानों की एकता बीजेपी को रोक नहीं सकती। मुसलमानों की एकता अगर बीजेपी को रोक पाती तो 2014 और 2019 में ये नतीजा नहीं आता है, या अभी 2022 के यूपी के चुनाव में मुसलमानों ने, जहां तक मेरा अनुमान है, आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछिए, आम तौर पर सारे मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया जो बीजेपी को हराने में सबसे सक्षम है। क्या इससे बीजेपी रुक रही है? क्या ये मॉडल चल पाएगा? मतलब ये सवाल उठाना कि पसमानदा के सवालों को उठाएंगे तो मुसलमान बट जाएंगे और बीजेपी आ जाएगी, तो बीजेपी आ चुकी है, आपके एकजुट होने के बावजूद आ चुकी है, आपका एकजुट होना बीजेपी को नहीं रोक सकता है। मतलब ऐसे 8 चुनाव 10 चुनाव के बाद अब तो आप समझिए कि नहीं रोक सकते भाई, आपकी एकजुटता बीजेपी कैसे रोक सकती है? 78% हिंदू है इस देश में, आपकी एकजुटता 14% मान लीजिए, 15% सारे लोग वोट डालने जाते हैं मान भी लीजिए, एक तो वोटर लिस्ट वगैरह में बदमाशी वगैरह अलग खेल है, इसके बावजूद मान लीजिए 14% मुसलमान एकजुट होकर उस पार्टी को वोट डालते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है। क्या ये मॉडल काम कर रहा है? किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं काम कर सकता है। रामपुर हार गया, मतलब रामपुर में बीजेपी जीत गई, मतलब कहाँ का, मतलब क्या बात कर रहे हैं? तो ये नहीं चल सकता, ये मॉडल फेल है, इसलिए पसमानदा सवाल उठाए जाने चाहिए। इससे मुसलमानों को कोई, इसका कोई अहित नहीं होने वाला है, ओबीसी के सवालों को उठाने से हिंदुओं का क्या बिगड़ गया? तो धर्म के अंदर आपसी जो अंतर्विरोध है, ये सवाल उठाए जाने चाहिए, और बहुत अलग अलग तरह से अप्रोच कर रहे हैं। इस समय मैं बताऊं, सांप्रदायिक तनाव का माहौल है ना, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत बड़े पद पर हैं, और जब पहली लिंचिंग वगैरह शुरू हुई तो मेरी, मतलब मॉर्निंग वॉक वगैरह टाइप की दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को बॉस्टन भेज दूंगा। अब आप समझ रहे हैं, जो आप जो अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक लेयर्स हैं, वो एक ही खतरे को बहुत अलग तरीके से अप्रोच करता है। उन्होंने अपने बच्चे को बॉस्टन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, कि यहाँ पर लिंचिंग वगैरह माहौल ठीक नहीं लग रहा है। अब ये इस तरह से, तो इसलिए कोई समाज किसी भी समस्या को एक तरह से अप्रोच नहीं करता है। ये सारे मुसलमान बीजेपी के खतरे को एक तरह से अप्रोच करें, ये संभव नहीं है। जो इलीट है उसने अपने रास्ते चुन लिए, तो बाकी जो नॉन इलीट्स हैं वो भी अपने ढंग से चीजों के अप्रोच करें उसको। और एक बात बहुत अंत में, मैं संक्षेप में ही उसको अब समेटना चाहूंगा, कई सारे वक्ता हैं, कि अपने सवालों को उठाने में कतई कोताही नहीं बरतें, इससे मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं बटेगा, और इस्लाम में नहीं होगा लेकिन भारतीय मुसलमानों में, दक्षिण एशिया के मुसलमानों में तो जाती है, और इसके आधार पर अब कुछ किसी को शक है तो मुसलमानों के शादी के कॉलम्स देख लीजिए, कौन अपनी सब, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, ये पूरी बहस ही बहुत नकली किस्म की बहस है कि मुसलमानों में जाती नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास, मतलब मेरे ख्याल से इसको, इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, ये सेटल्ड कुछ, मतलब सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें सेटल्ड होती, मान लिया गया है कि ठीक है, एम्पिरिकली ये है कि अलग वो भेद हैं, इस्लाम उसको सेंक्शन नहीं करता है, हिंदुओं में जाति को धर्म सेंक्शन करता है, धर्म उसको मान्यता देता है, इसलिए हिंदुओं की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, लेकिन है दोनों जगह, तो इसलिए इन सवालों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल मुसलमान विरोधी कदम नहीं है। अगर आप पसमानदा के सवालों को उठाते हैं, न्याय का कदम है, मोरल आपका स्टैंड है, बिल्कुल नैतिक कदम है, मैं इस इशू पर आपके बिल्कुल साथ हूँ,
हमारे हालांकि व्यक्तित्व के तौर पर हम लोगों की इतनी क्षमता है, मुझे ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ समर्थन से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय के बाकी जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है, सवाल है, उनके साथ पसमानदा को उसी तरह से एकजुट होना चाहिए जिससे बाकी समाज एकजुट है, और नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उस पर नजर रखिए, वो क्योंकि बहुत कुछ इरादे उनके बहुत साफ नहीं है और बहुत वो सिंसियर एफर्ट आज की तारीख में उसको नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।